प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के सेकंड चैप्टर बहुपद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और साथ के साथ इस पूरे चैप्टर की दोहराई भी कर देंगे। तो वास्तव में चैप्टर बहुपद जो है बीजगणित इकाई का एक हिस्सा है। बीजगणित इकाई में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कुछ स्टेट में फिफ्थ चैप्टर भी बीजगणित में शामिल किया गया है। तो अगर हम हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली की बात करें तो पूरी इकाई के 18 से लेकर के 20 अंक अलॉट किए गए हैं कि पूरी इकाई में से 18 से 20 अंक का पेपर आएगा। तो इन स्टेट्स में जो है अरे इस चैप्टर का अलग से नहीं दिया हुआ कि इतने अंक का पेपर आएगा, फिर भी मैंने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और उनके बोर्ड के द्वारा जारी सैंपल पेपर की स्टडी करने के बाद ये निर्णय लिया है कि हरियाणा बोर्ड में इसके बहुपद चैप्टर में से 4 अंक का पेपर आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 अंक का और एक क्वेश्चन 3 अंक का है। इसी तरह से यूपी बोर्ड में 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से, जिसमें से 1+2 यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का है और एक क्वेश्चन 2 अंक का है। मध्य प्रदेश में 8 अंक के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन 1-1 अंक के, 1-2 अंक का और 1-4 अंक का है। बिहार बोर्ड में जो है इसके कम से कम 4 और ज़्यादा ज़्यादा 8 अंकों के प्रश्न जो है आएंगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि 1-1 अंक के 2 क्वेश्चन और 2-2 अंक के भी 2 क्वेश्चन, ये एवरेज बनती है यहाँ पर। बाकी 1-1 अंक के 4 क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आ सकते हैं। झारखंड में वही यूपी की तरह से 3 अंक का पेपर इस चैप्टर में से आएगा, जिसमें से 1 क्वेश्चन 1 अंक का और 1 क्वेश्चन 2 अंक का है। उत्तराखंड में भी लगभग 4 अंकों का यानी 1 से 4 तक जो है सैंपल पेपर के आधार पर हम कह सकते हैं कि कम से कम 1 और अधिक से अधिक 4 अंक का ये चैप्टर आएगा। तो 1+3 आने की इसमें उम्मीद है। दिल्ली में भी 3 से 4 अंक का जो है ये चैप्टर। तो आगे आने वाले 30 मिनट में मैं आपको पूरा चैप्टर अभी चुटकियों में रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुपद की परिभाषा के ऊपर आधारित है कि ये इसने नीचे 4 बीजी व्यंजक देकर के पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है ये छांटने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। बहुपद वो बीजी व्यंजक होता है जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, ये पूर्ण संख्या ही होती है। तो सभी के चर चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर चर x है तो घात 2 है, चर को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चर x है, घात 1, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे अगर हम देखें तो चर x घात 2, चर x घात 1, 2 और 1 क्या पूर्ण संख्या है। तो ये तीनों तो बहुपद हो गए, लेकिन हमें पूछा कि बहुपद नहीं है। यहां देखिए चर की घात 5 पूर्ण संख्या, लेकिन यहां चर की घात 1/2 दे रखी है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बहुपद कौन सा नहीं है तो आपने चर की घात चेक करनी है कि अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण की घात होगी, एक द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है। द्वि का मतलब 2, घात है। तो सीधा इसके नाम से स्पष्ट है कि जिसकी घात 2 हो वो द्विघात समीकरण होता है। देखिए यहां वैसे तो समीकरण लिखने पर ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अगर यहां पर एक द्विघात बहुपद पूछा जाए तो भी आंसर यही होगा। समीकरण पूछा जाए तो भी आंसर यही होगा। तो ये आपको पता है कि बहुपद जो है वो हमने इस चैप्टर में 3 तरह के पढ़े हैं। कौन कौन से? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अगर रैखिक बहुपद है तो घात 1 होगी, द्विघात बहुपद है तो घात 2 होगी और त्रिघात बहुपद है तो घात 3 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहुपद y पावर 3 -2y² -√3y
प्लस 1/2 की घात है। यहाँ पर एक बहुपद देकर के आपको इसकी घात पूछी गई है। तो जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर चर देखिए वाई है, वाई की घात कितनी कितनी, 3, 2 और 1 है। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब जो चर की सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात है। तो यहाँ 3 हमें सबसे बड़ी घात दिखाई दे रही है, तो 3 आंसर आ जाएगा। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा कि x²-2x-8 के अधिकतम कितने शून्य है। तो देखिए कि यहाँ पर अगर द्विघात घात बहुपद है तो अधिकतम 2 शून्य होंगे, रैखिक बहुपद है तो शून्य 1 होगा, और त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम 3 शून्य उसके हो सकते हैं। कि जितनी घात है अधिकतम उतने ही शून्य है, सिंपल सी बात है। अब देखिए मैं आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले बताता हूँ कि जैसे हमारे पास है कि सामान्य बहुपद है ax² + bx + c। तो इसमें a जो है वो x² का गुणांक है, b है वो x का गुणांक है, और c जो है वो अचर पद है। तो अब देखिए कि अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। देखिए शून्यकों का योग, जो शून्यक हमने इसके मानने हैं उनका योग जो है वो -b/a के बराबर होता है, और शून्यकों का गुणनफल जो है वो c/a के बराबर। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर b आपको मैंने बता दिया था कि x का गुणांक है, और a क्या है, x² का गुणांक है। ठीक, इसी तरह से c क्या बताया था, मैंने अचर पद बताया था। तो ये बात आपने याद रखनी है कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर है। इसके अलावा किसी भी बहुपद में से आपको a, b और c जो छांटना आना चाहिए, जो बिल्कुल ही आसान है। अब देखिए x² के साथ जो कुछ भी लगा वो a है, x के साथ जो कुछ भी लगा निशान समेत वो b है, और जो बाकी कुछ बच गया वो निशान समेत लेना आपने वो c है। अगर प्लस का है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस। तो a, b और c किसी भी बहुपद में से छांटना मुश्किल नहीं है। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक एक नंबर वाले होते हैं। कहता है कि बहुपद के मूलों का गुणनफल क्या है। गुणनफल आपको पता है कि गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अब यहां से देखो c क्या है, 1 है, और a क्या है, 4 है। तो c/a कितना हो गया, 1/4। तो मूलों का गुणनफल भी कितना हो जाएगा, 1/4। ओके, तो यहां से ए बी सी की पहचान करो, ये दोनों फार्मूले याद रखो। अगर योगफल पूछे तो योगफल बता दो, और गुणनफल पूछे तो गुणनफल बता दो। आगे देखिए इन्हीं फार्मूलों पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बहुपद px = x²-2x + 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। तो देखिए यहाँ बहुपद दे करके आपको क्या पूछा है, शून्यकों का योग पूछा है। तो शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a क्या है, x² के साथ क्या लगा, कुछ नहीं लगा था, 1 है। b क्या है, x के साथ क्या लगा, -2, और c क्या है, +5। तो शून्यकों का योग आपको पता है क्या होता है, -b/a -b कितना, -2, और a, -(-+)2/1, यानी 2 आंसर इसका आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx = x²-3x + 5 के मूल हो तो 1/(α+1/β) का मान, यानी आपको यहाँ पर बहुपद दे दिया और अल्फा बीटा इसके शून्य दे दिए, तो 1/(α+1/β) बताना है। तो कई बच्चे सोचते हैं सर ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, लेकिन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखो आप कि 1/(α+1/β) एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा को अल्फा से भाग दिया बीटा, अल्फा बीटा को बीटा से भाग दिया अल्फा, तो ऊपर क्या आ गया, शून्यकों का योग, नीचे क्या आ गया, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का योग b/a -b/a -3/1, तो यह आ गया 3। तो शून्यकों का योग तो कितना आ गया, 3, और शून्यकों का गुणनफल
5/1 यानी 5 × 3/5 जो इसका आंसर हो जाएगा। ओके तो इसी के बेस पे देखिए अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम लाइन, बस समीकरण इसमें चेंज कर दिया है। यहाँ पर ए कितना हो गया 1, बी भी 1 और सी जो है -2, और शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वही निकलेगा इसका अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा। तो शून्यकों का योग -b/a यानी -1 और शून्यकों का गुणनफल -c/a, तो -2/1 यानी ये -2 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए ऑप्शन तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि 9वें क्वेश्चन में आपको एक बहुपद दिया हुआ 2x²-7x+3 और इसके शून्य दे रखे p और q। अब p² + q² का मान ज्ञात करना है यानी शून्य के स्क्वेयर का सम ज्ञात आपको करना है। तो अब देखिए कि आपके पास एक सूत्र होता है a+b² a² + b² + 2ab। अगर वही मैं यहाँ पर लगा दूँ तो p प्लस क्यू का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा p² + q² + 2pq। तो यहाँ से p² + q² आप निकाल लीजिए, क्या आएगा p + q² - 2pq। अब p प्लस क्यू क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा -b/a यानी 7/2 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल c/a यानी 3/2 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू जिसमें रख दीजिए 7/2 का स्क्वेयर -2 × 3/2, 7 का स्क्वेयर आ जाएगा 49 और 2 का स्क्वेयर आ जाएगा 4, इधर 2 से 2 कैंसिल -3, 4 एलसीएम आ गया 49 - 12, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए 3, 37/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। या तो आप इसका ऐसे कर लो या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है 2x²-7x+3 इसके शून्य ज्ञात कर लो। शून्य ज्ञात करने के लिए 3 × 6 - 7, दो संख्याएं ऐसी चूज करो कि जिनकी गुणा करें तो 6 आए, जोड़ करें तो -7 आए। तो ऐसी दो संख्याएं हैं -6 और -1, अगर टोटल करोगे तो -7 और गुणा करोगे तो +6, तो 2x²-6x-x+3। यहाँ से 2x कॉमन लिया, x-3, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x-3, x-3 फिर कॉमन लिया तो 2x-1, यहाँ शुरू में बराबर के निशान लगाते रहे। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इनको 0 रखें, 0 रखें तो x = 3 आ जाएगा, और यहाँ से x = 1/2 आ जाएगा। तो इसको तो आप p मान ले, इसको q मान ले। अब p² + q² फाइंड आउट करना, तो 3² + 1/2 का स्क्वेयर, 3² = 9, 1/2 का स्क्वेयर 1/4, एलसीएम 4 × 4 = 36 + 1 वही 37/4 यहाँ पर आएगा। ओके देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 5x² + 13x + k का एक मूल यदि दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा। तो देखिए कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/2 अल्फा यानी एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, तो इनका गुणनफल देखिए क्या होता है, मूलों का गुणनफल c/a यानी k/5। इधर से आप गुण करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल यानी 1 = k/5, तो k बराबर क्या हो जाएगा 5, सिंपल सी बात है। ठीक, तो इनको सिंपल जैसे दे रखा है ऐसा करके देख लें कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम होता है, एक अल्फा एक 1/2 अल्फा, मूलों का गुणनफल c/a। ओके तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, इधर एक आ गया तो 5 इस साइड जाएगा, गुणा हो जाएगा k = 5। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 और -15 है, तो बहुपद क्या होगा। अब देखिए शून्यकों का योग, योग को लिखते हैं एस, एस पर सम, सम मीन्स योग, एस कितना दे रखे 2 और गुणा, गुणनफल यानी प्रोडक्ट जो दे रखे -15। ठीक, तो अगर
इस तरह से आपको सम और प्रोडक्ट दे दिया, यानी योग और गुणनफल अगर आपको दे दिया जाता है, और फिर आपसे वो खुद पूछता है, तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ओके, ये बहुपद होगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स यानी 2x और प्लस में पी, पी यानी माइनस के 15, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। देखिए ऐसा कोई है जवाब इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो प्लस 15 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, तो अभी वीडियो को पॉज करके इसको तुरंत सॉल्व करके मुझे कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर बता मुझे कि इक्वेशन आपसे टाइप नहीं होगी कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए इसको सिंपल, जैसे अगर ये आंसर है तो इसको कैसे करेंगे, एक्स आगे एस क्यू ए आर स्क्वेयर माइनस का निशान 2x माइनस, अगर रूट कहीं आता तो रूट 5 आता, जो भी है मतलब इस तरह से आप इसका कमेंट करके मुझे बताएं, मैं तुरंत अभी आपको बताता हूँ कि ठीक है या गलत है। अब देखिए तो यहाँ पर s आपको 0 दे दिया और p कितना दे दिया, रूट 5। और बहुपद अगर आपको ज्ञात करना है तो वांछित बहुपद जो है वो क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस 0x प्लस रूट 5, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस रूट 5 जो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कि आपके मैथ की प्रश्नावली 2.2 में इस तरह के सवाल दे रखे हैं जिनमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिए हुए हैं, ठीक, जैसे ये 2.2 प्रश्नावली के सवालों की तरह से ही है, तो थोड़ा मोटा चेंजिंग तो आ ही सकती है, लेकिन पिछली बार हरियाणा बोर्ड में क्या आया था, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए इन दोनों को, कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक माइनस 4 और 2 है। तो बच्चों ने गलती क्या की, उन्होंने 2.2 अच्छी तरह से की हुई थी, इसको योगफल मान लिया, इसको गुणनफल मान लिया, जबकि दिए क्या है, ये शून्यक दिए हुए हैं, योग और गुणनफल नहीं, इनको ध्यान से देखना। तो अगर शून्यक दे दिए तो इनका योग आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तो यहाँ शून्यकों का योग जो है वो माइनस 4 प्लस 2 कितना आ गया, योग माइनस का 2 आ गया, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो है माइनस 4 गुणा 2 माइनस का 8 आ गया। तो वांछित बहुपदों में से एक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है, यहाँ पर शून्यकों का योग एस और गुणनफल को हम पी कह देते हैं, तो माइनस 2x प्लस पी कितना है, माइनस का 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य कौन क्या होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो 10 एकम 10 और ये हो गया 7। दो संख्याएं ऐसी चूज करनी है जिनकी गुणा करें तो 10 आए, जोड़ करें तो 7 आए, तो 5 × 10 5 प्लस 2 यानी 5 और 2 वो संख्या होगी। ये संख्या मिलने के बाद बीच वाला पद तोड़ लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x टोटल 7x हो गए प्लस 10, पहला लास्ट अभी छेड़ना नहीं है, सेकंड स्टेप में यहाँ से x कॉमन लिया x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5, फिर x प्लस 5 कॉमन लिया यहाँ से x प्लस 2, तो शून्य ज्ञात करने के लिए 0 रखेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 और x बराबर माइनस 2 जो है इसके शून्य का जाएंगे, तो x बराबर माइनस 5 और x बराबर माइनस 2 यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कई बार ये क्वेश्चन 2 नंबर में दे देते हैं तो नीचे ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको इतना काम करना पड़ेगा। अब आगे आता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7 के शून्य को ज्ञात कीजिए, ये हरियाणा बोर्ड में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्योंकि ये
हरियाणा बोर्ड में चार कोड आते हैं, तो चारों कोडों में अलग अलग इस तरह से पूछा गया था। एक में x²-7 पूछ लिया, दूसरे में x²-11 पूछ लिया, अगले में x²-3 पूछ लिया, और एक में x²-5 पूछ लिया। तो बात तो वही है, तो हम x²-7 को सोल्व करते हैं। तो x²-7 इसको हम सोल्व करेंगे तो x²-√7 का स्क्वेयर कह देंगे इसको, x²-√7 का स्क्वेयर। तो x², तो ये आ जाएगा a²-b² का फार्मूला। a²-b² क्या होता है, a - b × a + b। तो यह आ जाएगा x - √7 और x + √7। इस अगर हर एक फैक्टर को हम जीरो रखेंगे, x - √7 को जीरो रखो, x + √7 को जीरो रखो, तो x क्या आ जाएगा, √7, और यहाँ से आ जाएगा x - √7। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि जो बाद में संख्या दे रखी है उसका रूट लगा के स्क्वेयर करके a²-b² का फार्मूला लगाना अपने। ठीक, और फिर दो फैक्टर बन जाएंगे उनको जीरो रख लो, तो यहाँ से आ गया एक का √7 और एक का -√7। तो इसका आ जाएगा एक रूट तो आ जाएगा, एक शून्य का आ जाएगा √11 और एक -√11। ओके, तो इसी तरह से बाकी भी आप कर सकते हैं। अब देखिए कि आगे क्वेश्चन है कि आपको एक बहुपद दे रखा है, इसके शून्य ज्ञात करना है, फिर इसके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, वही होता है कि शून्य को का योग -b/a और शून्य का गुणनफल जो है वो c/a के बराबर होता है। ये दोनों चीज आपको वेरीफाई करनी है। तो पहले देखिए 4s² - 4s + 1 है, तो यहाँ पर दो अंक ऐसे चूज कीजिए कि जिनके गुणा करें तो कितना है 4 और जिनको जोड़े तो -4। तो ऐसे हैं -2 और -2। देखिए गुणा करके देखेंगे तो प्लस का 4 आएगा, जोड़ के देखेंगे तो -4 आएगा। तो ये दो अंक जो मिल गए इसे बीच वाला पद हम तोड़ लेते हैं, तो 4s² - 2s - 2s + 1। यहाँ से आप 2s कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 2s - 1, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 2s - 1। यहाँ से 2s - 1 कॉमन लिया, फिर 2s - 1। अब शून्य के ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2s - 1 × 2s - 1 को हम जीरो रखें, यानी 2s - 1 = 0 या 2s - 1 = 0। तो यहाँ से x = 1/2 और यहाँ से भी x = 1/2। अब शून्य को संबंध की सत्यता की जांच, ठीक, संबंध की सत्यता की जांच, ये यहाँ से लाइन लिखते हैं कि संबंध की सत्यता की जांच, शून्यकों का योग कितना हो गया, 1/2 + 1/2 कितना आ गया, 1/2 + 1/2 ½ + ½ एक हो गया। ओके, अब देखिए आपको थोड़ी सी ट्रिक लगानी इस बार इसमें, कि यहाँ पर शून्यकों का योग आप पहले करके देख लें इस फार्मूले से, -b/a और ये चीज उठा करके यहाँ लिख दी होगी। ठीक, अब इसको कट करके देख लो एक बार, -(-+)4/4 एक आ गया, इसका मतलब अपना सवाल ठीक है। वैसे तो ये चीज आपको अलग एडवांस में आने चाहिए कि, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि शून्यकों का योग ऐसे करके, और जो आगे वाला स्टेप है वो आपने क्या करना है कि -b/a वाला लिख दो। ठीक, तो यहाँ से ये माइनस और -4 क्या है, s का गुणांक, और 4 क्या है, s² का गुणांक। ठीक, तो ये एक संबंध तो वेरीफाई हो गया, दूसरा शून्यकों का गुणनफल में 1/2 × 1/2 कितना आ गया, 1/4।
अब सी बाई ए, ये सी बाई ए पहले से पढ़ा ही है, तो ये आ गया एचर पद वटे में एस स्क्वेयर का गुणांक। ठीक, या तो इस तरह से डायरेक्ट आ ही जाएगा, अगर डायरेक्ट आपको ना दिखे तो इस तरह से थोड़ी ट्रिक लगा के लिख दें, बस इस तरह से भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर अब अगला बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कहता बहुपद एक्स स्क्वेयर प्लस दो एक्स प्लस एक का शून्य कौन है। अब शून्य कैसे निकाल के देखने की बजाय सीधा पुट करके देख लो, दो का स्क्वेयर चार, फिर दो दुनी चार प्लस एक, ये तो नौ हो गया, जीरो आना चाहिए बस। माइनस एक रखूंगा तो माइनस एक का स्क्वेयर प्लस में दो गुना माइनस एक प्लस एक, ये हो गया एक माइनस दो प्लस एक, तो प्लस का दो और माइनस का दो जीरो आ गया, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक रख के देखेंगे तो अभी जीरो नहीं आएगा, जीरो रख के देखो तो एक आएगा, इसका मतलब ये भी इसका शून्य नहीं है, शून्य इसका एक ही है। ओके, अब देखिए कि इसमें आगे पूछा गया कि पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स की पावर तीन प्लस चार एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आठ एक्स माइनस दो से भाज्य है। अब देखिए कि x माइनस दो से भाज्य है, तो इसका मतलब इसको जीरो रख लो और x बराबर आ गया दो, और वो x बराबर दो उठा करके इसमें रख दो, b का मान अपने आप आ जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे ये लगभग दो नंबर में भी कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो जिससे भाज्य दे रखा है उसको जीरो रखो, वहां से x की वैल्यू निकालो और इसके अंदर रख दो, वहां से p का मान अपने आप आ जाएगा। देखो दो की पावर तीन प्लस चार गुणा दो की पावर दो माइनस पी गुणा दो प्लस आठ, दो पावर तीन, दो दुनी चार दुनी आठ, इसको छह मत कर देना, दो दुनी चार, चार चौके सोलह, माइनस दो पी प्लस आठ, यानी इसको आपने किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर रखना है। ठीक, तो आठ आठ सोलह, सोलह बत्तीस, बत्तीस माइनस दो पी बराबर जीरो, और यहाँ से दो पी बराबर बत्तीस, पी बराबर सोलह। ठीक, अगर पी बराबर सोलह होगा तो एक्स माइनस दो से ही भाज्य होगा। अब देखिए क्वेश्चन मैंने बिहार बोर्ड के 2018 के क्वेश्चन पेपर में से उठाया है। यहाँ पे कहता है कि एक्स पावर एन प्लस एक का एक गुणक दस प्लस एक्स प्लस एक है, तो एन निश्चित रूप से। अब देखिए ये गुणक जो शब्द है यहाँ से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसका इंग्लिश मीडियम देखा तो इसको एक फैक्टर लिखा हुआ था, फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। ठीक है, इसका अगर एक गुणनखंड एक्स प्लस एक है तो एन निश्चित रूप से क्या होगा। अब देखिए कि x प्लस एक इस बहुपद का एक फैक्टर है, तो इसका मतलब x प्लस एक बराबर जीरो रखें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली माइनस एक, तो ये x की वैल्यू माइनस एक अगर हम इसमें रखेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक, कहने का अर्थ ये है कि अब देखिए ये इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब x पावर n प्लस एक को अगर हम x प्लस एक से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, जीरो बचेगा। और शेष निकालने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, तो गुणनखंड को जीरो के बराबर रख के यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, और वो एक्स की वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, और फिर क्या आएगा, शेष आ जाएगा। तो माइनस एक की पावर एन प्लस एक बराबर जीरो, तो माइनस एक की पावर एन जो है वो माइनस एक आ गया, और माइनस एक की पावर कुछ क्या करें कि माइनस में ही एक आए, तो इसका मतलब अगर सम संख्या तो ये पावर हो जाती, फिर तो ये प्लस में आता, तो सम तो हो नहीं सकती। अब एक धनात्मक पूर्णांक एक सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, सम तो आपने पहले ही कह दिया, तो धनात्मक तो नहीं हो सकती, ऋणात्मक भी नहीं है, तो एक विषम अगर होगा एन, तो अगर माइनस एक की पावर विषम है तो ये आंसर माइनस में आएगा, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर ऐसे कोई गुणनखंड दे रखा हो तो इसका मतलब रिमाइंडर जीरो बचेगा, और रिमाइंडर थ्योरम अगर हम लगाएं तो फैक्टर को जीरो रखो, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, तो रिमाइंडर क्योंकि आपको पता है पहले जीरो है, तो इसको बराबर जीरो रख दो,
और यहाँ से एन का पता लग जाएगा आपको। ओके, अब देखिए कि लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर भाग का सवाल आता है, मोस्टली भाग का सवाल पूछ ही लिया जाता है, तो भाग का सवाल अगर आता है 2 अंकों में आता है तो बिल्कुल सिंपल सा सम आएगा कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दें, या 4x² + 5x + 2 को x + 3 से भाग दें। बिल्कुल 1 मिनट का सम है ये, मेरे ख्याल में भाग सभी को आता है। और अगर मान लीजिए किसी को भाग नहीं आता तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने पहले भाग पे जो है वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप आराम से देख लें। और अगर यही क्वेश्चन 3 अंकों में आता है तो भाग का सवाल अगर 3 अंक का आता है तो ये थोड़ा सा बहुपद को बड़ा कर देगा, जिस भाग देना ना उसको ध्यान से देखो कि बड़ी पावर बाद में दे दी, छोटी पहले दे दी, बिल्कुल छोटी बीच में दे दी, तो इसको ढंग से लिखना होगा। ढंग से लिखने का मतलब है कि जो इसके घात है वो जो सबसे बड़ी घात वाला पद पहले निशान समेत, माइनस का निशान माइनस साथ में उठाना है, उसके बाद उससे छोटी घात किसकी है, एक्स की है, उससे छोटी घात किसकी है, तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला पद, उसके बाद उससे छोटी घात वाला पद, फिर सबसे छोटी घात वाला पद, ऐसा करके ही आपने भाग देना है। ठीक, समझ गए। तो इस टाइप के जो है आपके एक्सरसाइज 2.3 में भी सम दे रखा है कि इसको इससे भाग देना है। कई बार बच्चे उठा के सीधा यहाँ से भाग देने लग जाते हैं तो फिर ये सम में अटक जाते हैं फिर वो। तो आपने क्या करना है, पहले x² फिर 2x और फिर 1, इससे भाग देना है इसको 3x³ + x² + 2x + 5। इसी तरह से ये है, इसमें x² और ये -x उठा के पहले ले फिर ये, इसको इससे भाग देना है। इसी तरह से ये है कि -x² + 2 से इसको भाग देना है। ठीक, तो यदि आप ये भाग के सवाल कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में नीचे यस लिख के बताएं, और नहीं कर सकते तो नो लिख के बताएं, और अगर नहीं कर सकते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वहाँ से भाग का जो है वीडियो आप देख लें। लगभग 15-20 मिनट लगेंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना उसमें, सीख जाओगे इतने में। अब देखिए आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये 2 क्वेश्चन मैंने एक जैसे छांटे हैं, ये 2.3 प्रश्नावली से पहले दिया हुआ उदाहरण नंबर 9 है एनसीईआरटी बुक का, और ये 2.3 प्रश्नावली का 3रा क्वेश्चन है। दोनों सेम स्टाइल के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एक ही पैटर्न पे चलेंगे। तो वैसे तो जस्ट एक ही पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कि यहाँ 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2, यहाँ एक 4 घात वाला बहुपद दे रखा है, यहाँ पर भी 4 घात वाला बहुपद है। ओके, इस 4 घात वाले बहुपद के 2 शून्य तो आपको पहले दे दिए, यहाँ पर √2 और √-2 दे दिए, यहाँ पर √5/3 और -√5/3 दे दिए। ये 2 दे करके कहता बाकी 2 बचे हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी घात होगी उतने अधिकतम उसके शून्य होंगे। तो यदि घात 4 है तो इसके 4 शून्य के मिलेंगे। तो कहता 2 तो मैंने दे दिए, 2 आपको कैलकुलेट करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये 2 शून्य है, अगर √2 और -√2 अगर 2 शून्य है तो x में से शून्य घटा दो और x में से ये घटा दो, ये घटाएंगे तो -(-+). ठीक, तो एक तो x-√2 और एक x+√2, ये 2 क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अगर ये 2 गुणनखंड है तो इनकी गुणा करें तो वो भी क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। तो x²-2 से इसको पूरे को भाग दे दो, भाग देने के बाद जो भागफल आए शेष इसका 0 ही बचेगा, 0 ना बचे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है सवाल में, चेक कर लेना। तो जो भागफल आए ना वो एक द्विघात समीकरण आएगा, द्विघात समीकरण के सीधे फैक्टर बना करके इसके 2 शून्य निकाल ले, वही क्या होंगे,
आपके उत्तर होंगे इस सवाल के। ठीक उसी तरह से इसमें क्या करोगे आप कि x माइनस रूट 5/3 ये तो एक फैक्टर हो जाएगा और एक्स माइनस माइनस 5/√5/3 ये इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा, यानी ये x प्लस रूट 5/3 ये इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। इन दोनों में गुणा करो x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक अब इस पूरे बहुपद को एक्स स्क्वेयर माइनस 5/3 से भाग दे दो, बिल्कुल आसानी से भाग हो जाएगा ये। ठीक है और फिर जो भागफल आए उसके गुणनखंड बना लो। ओके चलो मैं एक मिनट में भाग करके दिखाई देता हूँ। 3x^4 प्लस 6x^3 माइनस 2x^2 माइनस 10x माइनस 5 इसको आपने भाग देना है एक्स स्क्वेयर माइनस 5/3 से। तो यहाँ देखिए एक्स की पावर 4 है या 2, तो एक्स की 2 तो पावर की कमी है और किसकी कमी है 3 की कमी है। तो इस पूरे को 3x^2 से गुणा करनी है, तो 3x^2 की x^2 के साथ गुणा 3x^4। अब माइनस 5/3 की 3x^2 के साथ गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा माइनस 5x^2 माइनस 5x^2 इसके नीचे लिखेंगे हम, क्योंकि ये तो 3 वाला है। अब घटाएंगे घटाएंगे तो कट जाएगा 6x^3 प्लस का 5 माइनस का 2 तो प्लस का 3x^2 सारे नीचे उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6x^3 चाहिए आपको तो कमी किसकी रहेगी, एक तो 6 की रहेगी पावर या 2 या 3 एक x की कमी रहेगी फिर, क्योंकि एक और दो कुल मिला के 3 पावर चाहिए हमें। तो 6x^2 के साथ गुणा करेंगे 6x^3 तो सीधा ही हो गया, माइनस 5/3 की 6x के साथ गुणा करेंगे 3 × 2 = माइनस 10x कट गया 3x^2 माइनस 5 तो x^2 तो पड़ा ही है, तो x^2 की x लगाने की तो जरूरत है नहीं, तो किसकी जरूरत है 3 की जरूरत है। 3x^2 और माइनस 5/3 की 3 के साथ गुणा तो माइनस 5 घटाएंगे तो निशान चेंज कट गया 0 आ गई। ओके तो अब ये तभी घात बहुपद अपना आ गया यहाँ पर 3x^2 + 6x + 3 इसके शून्य ज्ञात करने, तो 3 × 3 = 9 गुणा करें तो 9 आए जोड़ करें तो 6 आए, तो 3 + 3 = 3 3x^2 + 3x + 3x + 3 तो यहाँ से 3x कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस 1 बचा और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 1 3x + 3 कॉमन ले x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ 3x + 3 बच गया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसको यहाँ से 3 और कॉमन ले लो x + 1 x + 1 शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 रखेंगे। अब देखिए 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x + 1 = 0 या x + 1 = 0 यानी x - 1 और x - 1 इसके दो अन्य शून्य के आ जाएंगे। ठीक है अब देखिए लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध, मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा इसके 3 शून्यक हैं और गुणांक आप देख ही रहे हो कि एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी और एक्स का गुणांक सी और एक्स पद डी है, तो शून्य का योग माइनस बी बाई ए और शून्य का गुणनफल डी बाई ए होगा, जबकि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो सी बाई ए के बराबर होगा। तो एक तो ये फार्मूले आपने डायरेक्ट याद रखने, हो सकता है कि फार्मूलों पे भी कोई एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। वैसे तो एनसीईआरटी बुक में इसके क्वेश्चन नहीं है हमारे, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उस पर भी स्टार लगा के दिया हुआ है कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट 100% या 90+ अंक लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैं 2 क्वेश्चन और जस्ट अगले 2 मिनट में करवा रहा हूँ, उनको आप ध्यान से देख लें। क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन है सन 2018 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि x^3 माइनस (px^2)-r 2 शून्यकों का योग शून्य होने की शर्त की गणना
करें। ठीक, तो बहुपद के गुणांकों के बीच, तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। ठीक, ये जो एक त्रिघाती बहुपद आपको दिया हुआ है, ये कहते हैं इसके दो शून्यकों का योग जो है वो शून्य है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है हम मान लेते हैं शून्य है। ठीक, तो फिर इसके गुणांकों के बीच का संबंध आपको ज्ञात करना है, यानी एक कंडीशन आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, माइनस पी बाई ए, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, ये पी के बराबर हो गया। अब एक और दो से, एक और दो से अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरो, तो गामा बराबर क्या आ गया, पी आ गया। इसको आप समीकरण तीन का नाम दे दें। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए। अब यहाँ से आप क्या करें, अल्फा बीटा प्लस, यहाँ से आप गामा कॉमन ले लें, गामा कॉमन लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा बचेगा बराबर सी बाई ए, सॉरी सी बाई ए जो है सी क्या, क्यू क्यू बाई वन, तो ये क्यू के बराबर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा जीरो हो गया, इसका मतलब पूरा फैक्टर जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा जो है किसके बराबर आ गया, क्यू के बराबर आ गया। अब तीसरी कंडीशन लगा दो, इसको समीकरण चार का नाम दे। तीसरी कंडीशन है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है माइनस डी बाई ए, यानी माइनस माइनस आर बटे ए, यानी अल्फा बीटा गामा जो है वो आर के बराबर है। तो अब अल्फा बीटा आ गया क्यू के बराबर, गामा आ गया पी के बराबर, और ये आ गया आर के बराबर। तो ये कंडीशन आ गई कि क्यू इंटू पी बराबर आर अगर होगा तो इसके दो शून्यकों का योग जीरो होगा। अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्य शून्य है, इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए एक शून्य तो जीरो दे दिया, मान लिया कि अल्फा जीरो है, बाकी दो शून्य यानी बीटा और गामा की गुणा आपने बतानी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कुल मिला के किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। अब अल्फा जीरो रखना आपने, अल्फा जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो बीटा और गामा किसके बराबर बचेगा, सी बाई ए के बराबर, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि चलते चलते लास्ट सेकंड में प्रश्नावली 2.1 का एक क्वेश्चन वो देख लेते हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए ग्राफ खींचा गया है, तो कहता है प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ ये है पी एक्स का, और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर काटता है, देखिए बिल्कुल दूर से जा रहा है, इसका मतलब काटेगा ही नहीं, अगर किसी भी बिंदु पर नहीं कट करता तो इसके शून्यकों की संख्या जीरो है। अब दूसरे पार्ट में देखिए ग्राफ ये है, ये एक्स एक्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। अगर लिखने वाला क्वेश्चन आ गया तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और अगर ग्राफ मान लीजिए ये आता है तो ये एक्स एक्स को देखिए, सिर्फ एक्स एक्स को देखना आपने, क्योंकि वाई इज इक्वल टू पी एक्स है, पी एक्स है तो सिर्फ आप एक्स एक्स को देखोगे, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या तीन है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगला इसी तरह से ग्राफ एक्स एक्स को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या दो है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी तरह से इसके शून्यकों की संख्या चार हो जाएगी, इसके शून्यकों की संख्या तीन हो जाएगी। ठीक है,
कई बार वर्ड में ये पूछ लेते हैं कि यदि y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ x एक्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या कितनी है। अगले ने बोल के पूछ लिया तो आपको चित्र देखने की जरूरत नहीं है, तो आप बता दो कि शून्यकों की संख्या एक होगी। ओके, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। ये लेक्चर जो है सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बेशक वो अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता हो चाहे वो। तो प्यारे बच्चों मेरा ये लेक्चर जो है सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और साथ के साथ जैसे ही मैं हर रोज़ ये एक चैप्टर का फास्ट रिवीजन आपके लिए अपलोड करूँगा, तो आप साथ के साथ कॉपी पेन लेकर के बैठें, चाहे आपको 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे, आप इस एक चैप्टर को एक सिटिंग में करके उठना है। ओके, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो आपको 100 में से 100 अंक दिलवाएगा, तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बनेगी, आपका एक अच्छा करियर होगा। तो आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।